अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त, आप देख रहे हैं ब्लॉच एडिट्स यूट्यूब चैनल। तो कहीं आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, क्योंकि आज की वीडियो में आपको एक चैनल आइडिया देने वाला हूं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चलने वाला ये आइडिया है। ठीक है, 7 दिन हो चुके हैं मैं इस वीडियो को देख रहा हूँ। ठीक है, आपने भी कहीं ना कहीं ये वीडियो ज़रूर देखी होगी जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आप ये वाली फनी वीडियो देखें, फिर उसके बाद हम इसके फनी कमेंट्स पढ़ेंगे किस तरह के तबाही कमेंट्स हैं। तमाम पेट्रोल पंप, सीएनजी स्टेशन, कारोबारी मराकज मुकम्मल तौर पर बंद हैं और शहर भर में झंडे और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी। पाकिस्तानी रिपोर्टर इंडियन रिपोर्टर्स। तो इस तरह की वीडियो कैसे बनाते हैं, क्योंकि ये जो चैनल है ना, ये एक चैनल है और इस पर बहुत ही ज़्यादा मिलियन में सब्सक्राइबर आते हैं, मिलियन में व्यूज़ आ रहे हैं। ठीक है, सब्सक्राइबर तो आप पूछें ना, क्योंकि अभी तक इसने 100 से भी ज़्यादा वीडियो नहीं अपलोड की और इसके 1 लाख प्लस सब्सक्राइबर होने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अपने फर्स्ट स्टेप की तरफ, बढ़ते हैं अपने पहले स्टेप की तरफ। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमारा जो है वो है प्ले एंड पॉज, ग्रीन स्क्रीन हमने डाउनलोड करना है। ठीक है, प्ले एंड पॉज। ठीक, तो गाइस आप बात करते हैं कि हम किस तरह से फ़नी वीडियो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यकीन करें काफ़ी देर के बाद मुझे एक फ़नी वीडियो मिली है, क्योंकि मेरा कुछ और टॉपिक होता है। ठीक है, मैं कोई फ़नी वीडियो वगैरह इंस्टाग्राम पर ज़्यादा नहीं देखता। ठीक है, तो काफ़ी सर्च के बाद मुझे ये वाली एक वीडियो मिली है। ठीक है, इसको मैं यहाँ से कर लूँगा डाउनलोड। ठीक है, आपने भी इस तरह से इसको डाउनलोड कर लेना है। और हाँ, डाउनलोड करने से पहले आपने कमेंट बॉक्स ओपन करना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स ओपन करने के बाद आपने इसको फुल कर लेना है या जैसे भी। ठीक है, और उसके बाद इसके जो कमेंट्स फ़नी होंगे ना ज़्यादा, ठीक है, उनके आपने यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेने हैं। ठीक है, उनके स्क्रीनशॉट लेने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, कुछ इस तरह के स्क्रीनशॉट हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ आराम से। ठीक है, आपने भी अच्छे अच्छे स्क्रीनशॉट ले लेने हैं। ठीक है, जो भी यहाँ पे फ़नी कमेंट दो। ठीक है, मैं कुछ थोड़े 2-3 ले रहा हूँ। ठीक है, मैंने क्योंकि आपको वीडियो एडिटिंग भी सिखानी है तो फिर ज़्यादा उसमें नहीं लगाऊँगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स अपनी वीडियो एडिटिंग की तरफ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपनी कैपकट एप्लीकेशन में। ठीक है, यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जो वीडियो अभी आपने इंस्टाग्राम से डाउनलोड की होगी, ठीक है, वो वाली यहाँ पे आपने ऐड कर देनी है। ठीक है, इसको ऐड करने के बाद अपने फ्रेंड्स एक और काम करना होगा। ठीक है, स्टार्टिंग में जो हमने प्ले एंड पॉज वाला एक बटन डाउनलोड किया था ग्रीन स्क्रीन का, ठीक है, वो वाला ऐड करना है। सबसे पहले हम इसका एस्पेक्ट रेशो सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने रेशो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर टिकटॉक वाला रेशो होगा, ठीक है, वो वाला सेलेक्ट कर लेना। वो सेलेक्ट करने के बाद अपने फ्रेंड को जिस तरह से इसको अगर जूम करना हो ज़्यादा, जैसे मर्जी आपने जहाँ भी रखना हो, ठीक है, वो यहाँ पे आपने रख लेना। ठीक है, इतना रखने के बाद आपने यहाँ टेक्स्ट में आना। टेक्स्ट में आने के बाद, ठीक है, यहाँ पे ऐड टेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे उस अकाउंट का ज़रूर आपने नाम लिख देना, यानी क्रेडिट देना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी आपने ये वाला क्रेडिट देना होगा, यानी वहाँ पर आपने वीडियो क्रेडिट और आगे उस अकाउंट का नाम लिख देना। ठीक है, और यहाँ पर भी वीडियो के अंदर अगर आपने लिखना हो, ठीक है, लिख सकते हैं, अदरवाइज वैसे भी यहाँ पर लिखा हुआ होता है। वाली वीडियो को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अपने फ्रेंड सिंपल इस तरह से स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है फ्रीज का। ठीक है, फ्रीज वाला यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको एक क्लिप मिल जाएगा, यानी कि एक इमेज मिल जाएगी। ठीक है, इस वीडियो के, इस वीडियो से रिलेटेड। ठीक है, तो मैं ये 10 सेकंड तक बढ़ा दूंगा। स्टार्टिंग के 10 सेकंड आपने छोड़ने अपनी वॉइस ओवर करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ओवरले वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। एड ओवरले के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने फ्रेंड जो अभी ग्रीन स्क्रीन वाली वीडियो आपने डाउनलोड की थी, ठीक है, उसको आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। तो यहाँ पे ऐड करने के बाद फ्रेंड्स आपने सिंपल करना है, इसको मैं यहाँ पे आगे ले जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे तो ये पॉज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये स्टार्टिंग वाला आएगा ना यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे एरो आ रहा है, यहाँ पे हम इसको स्प्लिट कर देंगे। ठीक है, यहाँ से स्प्लिट करने के बाद जो हमारी बैक साइड वाली है, ठीक है, इसको हमने डिलीट कर देना और इसको हमने यहाँ पे रख देना है। ठीक है, यहाँ पे रखने के बाद आपने फ्रेंड सिंपल करना कि इस ओवरले वाली वीडियो को आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने नीचे देख लेना, ठीक है, रिमूव बीजी लिखा होगा या फिर कटआउट लिखा होगा। ठीक है, इनमें से जो भी लिखा हो उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना और यहाँ पे आपने क्रोमा की वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ से आपने ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और इसकी जो इंटेंसिटी है वो अच्छे तरीके से आपने यहाँ पे बढ़ा लेनी है और उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना। ठीक है, ओके पे क्लिक करने का फ्रेंड्स आपने कुछ इस तरह से इसको यहाँ पे यहाँ तक रख लेना। ठीक है, ये तकरीबन 7 सेकंड तक है। ठीक है, तो मैं जो वॉइस ओवर करूँगा ना वो स्पीड में करूँगा, ताकि 7 सेकंड के अंदर अंदर मेरी वो वॉइस ओवर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, फिर उसके बाद हम तकरीबन 7 सेकंड की वीडियो चलाएंगे। ठीक है, या फिर इससे भी कम चलाएंगे या ज़्यादा चलाएंगे। ठीक है, जितनी भी वीडियो होगी जहाँ तक वो फनी लग रही हो, ठीक है, वहाँ तक हम इसको चलाएंगे। और उसके बाद हमने फ्रेंड सिंपल करना है, यहाँ पे कमेंट्स ऐड करने होंगे। ठीक है, उसके ऊपर भी हमने वॉइस ओवर करनी है। ठीक है, तो वीडियो को अच्छे तरीके से देख लेना। वॉइस ओवर करने के लिए आपने फ्रेंड सिंपल करना है कि नीचे ऑडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है, ऑडियो के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे, ठीक है, यहाँ पे आपको रिकॉर्ड का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, इसके ऊपर आपने टैप कर देना है। टैप करने के बाद ये जो आपको बटन मिल रहा है, ठीक है, इसके ऊपर आप इस तरह से टैप करके रखेंगे तो ये आपकी जो रिकॉर्डिंग है, ठीक है, वो यहाँ पे होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रही है और यहाँ पे मैं इसको ओके कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रिकॉर्डिंग हो चुकी है। अब ये जो रिकॉर्डिंग है ये एक रफ रिकॉर्डिंग थी जो मैं आपको समझा रहा था। ठीक है, अब मैं वो रिकॉर्डिंग करूँगा जो मैंने इसके स्टार्ट में करनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे रिकॉर्डिंग अब स्टार्ट करूँगा। स्टार्टिंग में आपने वो ऐसी लाइन बोलनी है। ठीक है, यहाँ पे आपकी
ऑडियंस जो है, आपका जो व्यू व्यूवर्स है ठीक है, वो यहाँ पे हुक हो जाए, यानी आपकी वीडियो को कम से कम आधा तो देख ले ठीक है। जब वो आधा देखेगा तो आगे कमेंट्स भी वो ज़रूर सुन के जाएगा ठीक है। तो इस तरह के आपने हुक बोलने ठीक है, और उसके बाद आपने इस वॉइस ओवर को इस तरह से क्रॉप कर लेना ठीक है, जहाँ दरमियान से आपने वॉइस बंद किया ठीक है, और उसके बाद आपने इसको यहाँ तक रख लेना ठीक है। अब जहाँ तक आपकी वॉइस है ठीक है, वहाँ तक आपने इसको यहाँ पे इस तरह से कट कर देना। अब यहाँ से आपकी वीडियो स्टार्ट हो जाएगी ठीक है, ये वीडियो स्टार्ट हो रही है ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको इस तरह से चला देंगे ठीक है, और यहाँ से ये वीडियो जैसे ख़त्म होगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड, तकरीबन ये वीडियो भी हमारी 7 सेकंड की है ठीक है। तो यहाँ तक जैसे वीडियो ख़त्म होगी, इसके आगे हम कुछ ऐसी मीम्स लगाएंगे जैसे गुरु जी की है ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, या फिर कोई और मीम्स होगी ठीक है, वो मीम्स हमने डाउनलोड करनी होंगी। आप एक मरतबा मीम्स को डाउनलोड कर लेंगे ठीक है, उसके बाद आपको डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत भी नहीं होगी ठीक है। तो यहाँ पर मैं यूट्यूब ओपन कर लेता हूँ, यूट्यूब ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं सर्च वाले बटन पर क्लिक करता हूँ ठीक है, और यहाँ पर लिखता हूँ ये शुरू करते हैं ठीक है, ये वाली मीम्स है, और यहाँ पर आपने इसको भी यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। मैंने काफ़ी सारी मीम्स डाउनलोड कर लिए ठीक है, जो भी मीम्स मैं आज की वीडियो में इस्तेमाल करूंगा ठीक है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने इजीली वहां से डाउनलोड कर लेने, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ठीक है। तो अब यहां से हम वीडियो यानी कमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहां पे हम सबसे पहले एक मीम ऐड करेंगे ठीक है, यहाँ प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे ठीक है। प्लस वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर आ जाना ठीक है, वीडियो के अंदर आने के बाद जो मैंने यहाँ से मीम्स डाउनलोड किए ठीक है, उसके अंदर सबसे पहले मीम्स आती है हमारी यहाँ पर, ये चलिए स्टार्ट करते हैं यानी शुरू करते हैं ठीक है। तो ये वाली इसको हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं ठीक है, यहाँ पर ऐड करने बाद अब इसको हमने थोड़ा सा क्रॉप भी करना है। ठीक है, यहाँ तक ये हमारे लिए यानी ये जो क्लिप है ठीक है, ये फालतू है, तो हम इसको यहाँ पे डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ठीक है, यहाँ तक आने के बाद आपने फ्रेंड सिंपल करना है कि नीचे आपने ओवरले वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है ठीक है, ऐड ओवरले के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने जो कमेंट्स के स्क्रीनशॉट लिए थे ठीक है, वो वाला कमेंट्स यहाँ पे आपने ऐड कर लेना है ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ये वाला एक कमेंट्स ऐड करता हूँ स्क्रीनशॉट ठीक है, और इसको हम क्रॉप करेंगे ठीक है, एक एक कमेंट्स यहाँ पे ऐड कर देंगे ठीक है। तो यहाँ पे अपने फ्रेंड सिंपल रिसाइज में आने के बाद ठीक है, आपने यहाँ पे एक कमेंट्स यहाँ पे ऐड कर लेना है ठीक है। तो इस तरह मैंने यहाँ पे क्रॉप कर लिया ठीक है, और उसके बाद मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ ठीक है, यहाँ पे इसको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ ठीक है। ऑडियो के ऑप्शन पे क्लिक करना है ठीक है, हल्का सा पीछे आ जाना क्योंकि आपकी रिकॉर्डिंग थोड़ी देर बाद स्टार्ट होती है ठीक है। और यहाँ पे जो कमेंट्स होगा ठीक है, उसको आपने याद रखना ठीक है, वो कमेंट्स क्या था, यहाँ पे आप देख सकते हैं पाकिस्तानी रिपोर्टर्स ठीक है, पाकिस्तानी रिपोर्टर्स, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ ठीक है, पाकिस्तानी रिपोर्टर्स, यहाँ पे जो हमारे कमेंट्स हैं ठीक है, इसको आपने एनिमेशन भी देना होगा ठीक है, यहाँ पॉपअप का एनिमेशन हो ठीक है, कोई भी एनिमेशन हो ठीक है, वो वाला आपने यहाँ पे दे देना है ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसका इतना रख लेता हूँ, इतना रखने के बाद आपने यहाँ पे देख लेना है पाकिस्तानी रिपोर्टर्स ठीक है, यहाँ तक जहाँ तक हमारी वॉइस है ठीक है, वहाँ तक हम इसको रखेंगे, और उसके बाद आपने यहाँ तक इसको ऐसे कर लेना ठीक है। ऐसे करने के बाद आपने ऐड ओवर लेके ऑप्शन पे क्लिक कर देना ठीक है, और इसके बाद जो भी मीम्स फिट बैठती हो ठीक है, यहाँ पे मीम अच्छी लगती हो ठीक है, वो वाली मीम आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये वाली ऐड कर देता हूँ ठीक है, इसको ऐड करने के बाद आपने फ्रेंड सिंपल करना है, इसको थोड़ा सा इस तरह से बढ़ा लेना ठीक है, बढ़ाने के बाद यहाँ पे ये हंसता है ठीक है, यहाँ पे मैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हंसी स्टार्ट हो रही है ठीक है। मैं इसको यहाँ पे पकड़ के यहाँ पे रख देता हूँ ठीक है, यहाँ पे रखने के बाद आप पीछे बैग आ जाते हैं, आप दोबारा सुनते हैं ठीक है। इतनी मीम्स रखने के बाद ठीक है, आपने फ्रेंड सिंपल करना है, इसको यहाँ पे क्रॉप कर लेना है। क्रॉप करने के बाद ये जो कमेंट्स है ठीक है, ये वाला कमेंट ठीक है, इसको आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से इसको कर लेना है डुप्लीकेट ठीक है, क्योंकि इसके अंदर भी अभी बहुत सारे कमेंट्स बाकी हैं ठीक है। इस मीम से आगे रखना है, मीम से आगे रखने के बाद इसको आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद अपने फ्रेंड नीचे दोबारा से यहाँ ट्रांसफॉर्म में आना है, रिसाइज में आना है ठीक है। अब ये वाला कमेंट्स आपने ऐड कर लिया ठीक है, अब ये वाला कमेंट्स ऐड करना है ठीक है। मैं किसी को भी हेट नहीं दिखा रहा ठीक है, यहाँ पर मैं सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ कि हमने कमेंट्स किस तरह से ऐड करने होते हैं ठीक है, क्योंकि इस कमेंट्स के अंदर थोड़ा सा हेट वाला सीन है। तो इसके बाद मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देता हूँ ठीक है, ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे मैं इसको इस तरह से बड़ा कर देता हूँ, और उसके बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे ताकि ये वाला जो कमेंट्स है ये बड़ा है ठीक है। इसके अंदर जितनी वॉइस ओवर होगी उसके बाद हम इसको यहाँ पर कट कर लेंगे ठीक है। यहाँ पर मैं दोबारा वॉइस ओवर करता हूँ ठीक है, थोड़ा सा पीछे बैग आके यहाँ पर मैं आ जाता हूँ ऑडियो में। ऑडियो में आने के बाद इसको स्क्रॉल करते हैं, रिकॉर्डिंग में आ जाते हैं, और यहाँ पर मैं इसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ। पाकिस्तानी रिपोर्टर, इंडियन रिपोर्टर्स,
ठीक है, यहाँ पे मैंने दोनों क्रॉप कर दोनों ऐड कर लिया। अब इस वॉइस ओवर को किस तरह से एडिट करना है, ठीक है, इतना दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं जल्दी जल्दी से इसके अंदर कमेंट्स ऐड करूँगा। ठीक है, कमेंट्स स्टार्टिंग में जो मैंने ऐड कर दिए इसी तरह से सारे ऐड करने हैं। ठीक है, तो अब इस वॉइस को किस तरह से एडिट करना है, जो दो दो कमेंट्स होते हैं, ठीक है, यानी एक कमेंट्स के अंदर दो दो पॉइंट होते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। पाकिस्तानी रिपोर्टर, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे कट कर लूँगा। कट करने के बाद इसको थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब इसके अंदर एक मीम ऐड करते हैं कैरी मिनाती की, ठीक है, वो जिसमें कहता है ना 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 ना, ठीक है, तो इस तरह से हम इसको यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ठीक है, यूट्यूब वाला रेशो बना देंगे, ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, अब आपने सुनना इसको। पाकिस्तानी रिपोर्टर, इंडियन, ठीक है, अब जो हमारी ऑडियो, ठीक है, वो थोड़ी दूर हो चुकी है। ठीक है, हम इसको यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है, जहाँ पे ये मीम ख़त्म होती है। इंडियन रिपोर्टर्स, ठीक है, अब इसको यहाँ पे इंडियन रिपोर्टर जहाँ मैंने नाम लिया, ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ ऐसी मीम ऐड करेंगे जो अच्छी लगती है, ठीक है, व्यूवर्स को अच्छी लगे, हमारे व्यूवर्स को अच्छी लगे। ठीक है, अब जितनी भी वीडियो मैंने यहाँ पे बना लिया, ठीक है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद जो कमेंट्स ऐड करूँगा, ठीक है, वो मैं जल्दी जल्दी से ऐड कर दूँगा ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। ठीक है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप ये वाली फनी वीडियो देखें, फिर उसके बाद हम इसके फनी कमेंट्स पढ़ेंगे किस तरह के तबाही कमेंट्स हैं। तमाम पेट्रोल पंप, सीएनजी स्टेशन, कारोबारी मराकज मुकम्मल तौर पर बंद है। पाकिस्तानी रिपोर्टर, पाकिस्तानी रिपोर्टर, इंडियन रिपोर्टर्स। तो फ्रेंड्स ये कंप्लीट वीडियो मैंने आपको बना के दिखा दिया, ठीक है, वॉइस ओवर किस तरह से करना है, कमेंट्स किस तरह से इसके अंदर ऐड करने हैं, ठीक है, और किस तरह से फनी मीम्स डाउनलोड करके इनमें ऐड करनी है। ठीक है, और फनी मीम्स का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप इस वीडियो का रिजल्ट देखना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर जा सकते हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ भी आपको ये पूरी वीडियो मिल जाएगी किस तरह से मैंने इसको एडिट किया, ठीक है, किस तरह से इसके अंदर मैंने कमेंट्स और मीम्स ऐड किए। ठीक है, ये चैनल आप भी बना सकते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूँ। आप इसके अंदर 30 वीडियो का चैलेंज ले लें, ठीक है, 30 वीडियो का एक चैलेंज ले लें, ठीक है, 30 वीडियो इस तरह से अपलोड करें, ठीक है, आपको इसके ऊपर जल्द रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, बस मेहनत होगी थोड़ी सी, ठीक है, एक मरतबा मेहनत होगी, उसके बाद आपने सिंपल करना क्या होगा, जो कमेंट्स ऐड किया होगा उसको डुप्लीकेट करके दूसरा कमेंट ऐड कर देना है। ठीक है, बस इतनी सी मेहनत होती है। ठीक है, आपकी जो वीडियो वो 10 मिनट के अंदर रेडी हो जाएगी। मेरी वीडियो की ड्यूरेशन मत देखना क्योंकि इसी इस वीडियो में मैंने आपको सिखाया है। ठीक है, अगर मैं खुद बनाने बैठता तो मैं इसको 1 मिनट के अंदर बना लेता। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ यार आज का ये चैनल आईडिया आपको पसंद आएगा, स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, क्रिकेट वीडियो अगर मैं आपको सिखाता भी रहूँ, ठीक है, क्रिकेट वीडियो बहुत सारी ऐसी हैं जहाँ पे रीयूज कंटेंट आ जाता है। ठीक है, जब तक आपको स्पॉन्सरशिप ना मिले तो आप यहाँ वहाँ पे अर्निंग नहीं कर सकते। तो इसलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो से स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको कुछ अर्निंग की तरफ भी लेके चलूँ। ठीक है, तो आप भी अर्निंग करना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ यार वीडियो अच्छी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कौन कौन स्टार्ट करने वाला है जाके इंस्टाग्राम पर ये वाली वीडियो देखना और उसके नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं भी ये स्टार्ट करने वाला हूँ।